लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों ने हर किसी को चौंका दिया है। इस बार के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सीटें जीती है, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में 10 सीटें जीतने वाली मायावती की पार्टी बसपा का खाता भी नहीं खुल पाया है। हालांकि यूपी के रण में चंद्रशेखर आजाद की जीत ने मायावती की मुश्किलें बढ़ा दी है। इस बीच यूपी की नगीना लोकसभा सीट से जीत दर्ज करने वाले आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ दलितों ने वोट नहीं दिया, बल्कि पाल, प्रजापति, कश्यप, सेनी, मोर्रे, शाक्य और मुस्लिम सभी लोगों ने वोट दिया है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मैं किसी का विपक्ष नहीं हूँ। नगीना में दलित पिछड़े मुसलमान का गठजोड़ बना है। अगर यही मौका मुझे यूपी में मिला तो यूपी में बहुत बड़ा बदलाव होगा। राजनीति एक कला है जिसे समझने में बहुत वक्त लगा। हम जो वंचित है, लेकिन हमारा समाज वंचित ना रहे, इसलिए लड़ना है। चंद्रशेखर आजाद ने आगे कहा कि मायावती नेता के तौर पर हमारे परिवार की सम्मानित व्यक्ति है। राजनीति में परिवर्तन प्रकृति का नियम है। बाबा साहब का अधूरा काम काशीराम ने पूरा करने की कोशिश की, काशीराम का अधूरा काम बहन जी ने पूरा करने की कोशिश की, और अब जो अधूरे काम रह गए हैं वह आजाद समाज पार्टी पूरा करेगी। बता दें कि नगीना लोकसभा सीट पर चंद्रशेखर आजाद ने 151,473 वोटों से जीत दर्ज की है। उन्हें 512,552 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर बीजेपी के ओम कुमार रहे, जिन्हें 361,079 मत मिले। इसके अलावा सपा प्रत्याशी मनोज कुमार तीसरे स्थान और बसपा के सुरेंद्र पाल सिंह चौथे स्थान पर रहे। वहीं बसपा 2024 के चुनाव में अकेले दम पर उतरी थी, लेकिन नतीजे आए तो एक दशक बाद फिर चारों खाने चित हो गई है। 2014 के बाद 2024 में भी बसपा का खाता नहीं खुल सका है। जनाधार भी 10% से ज्यादा खिसक गया है। एक भी सीट पर दूसरे नंबर पर नहीं आ सकी। सत्ता के मास्टर चाबी की संभावनाएं तलाश रही मायावती की रणनीति को भी झटका लगा है। दलित आबादी में 55% हिस्सेदारी रखने वाला जाटव समाज भी हाथ से चला गया है। यह समाज अब तक उनके पीछे खड़ा देखा जाता था, लेकिन इस चुनाव में इसे बड़े वोट बैंक का बसपा से मोहभंग देखा गया और कांग्रेस सपा गठबंधन के प्रति सॉफ्ट नजरिया रहा।